यहाँ से हम केवल कार के लिए निकल लेंगे। मैं वैसे बस में जाने का सोच रहा था, बट ये कह रहे हैं कि यहाँ से केवल कार जाती है। 3000 देंगे कि इसका टिकट है, तो यहाँ पर इसका टिकट बाय करते हैं, तो फिर देखते हैं। आपने जस्ट अपना टिकट दिखाना है, दरवाज़ा खुल जाएगा। इस जगह का नाम है कैन तो बे। शूट यू ऑन दिस। ओके ओके, बैक बैकग्राउंड। ओके, तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना जगह है, एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। जैसे मोनाल है, वैसे कोक का मतलब होता है ब्लू, तो बे का मतलब पहाड़ है, यानी कि नीला पहाड़। तो अभी हम आ गए हैं, ये जैसे इस्लामाबाद में मोनाल है, यहाँ पे समझ लें यह मोनाल है, लेकिन मोनाल तक केबल कार नहीं जाती ना, यहाँ केबल कार आती है। अभी हम बिल्कुल जो है ना टॉप पे खड़े हैं इस वक्त। ये जो है व्यू पॉइंट है यहाँ पे, और काफ़ी सारे लोग जहाँ आए हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं, और हम भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज मौसम अच्छा नहीं है, क्लाउडी है थोड़ा सा, तो इस वजह से जो है ना बड़ा प्रॉब्लम बन रही है, व्यू अच्छा नहीं आ रहा। जिस व्यू के लिए मैं ऊपर आया था, मैंने 3500 तिंगे दिए हैं, वो व्यू नहीं आ रहा उस तरह का अच्छा। लेकिन चलें, फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन अच्छा किया कि मैंने ये प्लान किया था और मैं यहाँ आ गया। डाउरन भी मेरे साथ ही हैं, वो तो काफ़ी कुछ मुझे बता रहे हैं यहाँ लोकल ट्रेडिशन, लोकल लोगों के बारे में, और काफ़ी कुछ जो है ना उनसे सीखने को मिल रहा है, क्योंकि ये ख़ुद भी एक अच्छे एडिटर हैं फिल्म मेकिंग। अभी वो मेरे ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं, और ये वीडियो जापान में वो कंपटीशन में यूज़ करेंगे, और अभी वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस इतना ही है। तो उनका भी काम हो रहा है, उन्होंने किसी टूरिस्ट पर एक वीडियो बनानी थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप पे बनाते हैं। मैंने कहा बनाएं भाई, हम तो खुद वीडियो बनाते हैं, हमारा काम ही यही है, तो आप भी बना लो, हम कौन सा इतने बड़े को फिल्म स्टार हैं। अच्छा भाई, मियाँ वाली वालों के लिए जो कुकड़ रखने का बहुत शौक़ रखते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे ये उज़्बेकिस्तान के हैं लड़ाई वाले, ठीक है, ये इन्होंने रखे हुए हैं। अब ये बाहर आ जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। ये दूसरा जो है ना, ये व्यू पॉइंट है, ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा नज़ारा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध है, क्लाउडी है वेदर। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है अलमाता
टीवी टावर, अलमाता का टीवी टावर है ये वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो यहाँ से सारा उनकी टीवी की ट्रांसमिशन वगैरह सारा कुछ, यहाँ पे व्यू बड़ा अच्छा आ जाना था बट जो है ना इन्होंने बंद किया हुआ। Be in touch, bro. Okay, okay. पक्का पक्का। चलो जी, दौरान भाई चले गए हैं, अभी मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि उन्होंने 7 बजे एक ड्रामा है यहाँ पे वो ज्वाइन करना था ना, मुझे भी ऑफ़र किया है इनका लोकल ही कुछ एक ड्रामा होता है जिसको लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं यहाँ शाम तक रहना है, जब ये शहर की लाइटें ऑन होंगी तो मैंने तब तक इंतज़ार करना है थोड़ा सा। Мама, кнопка это часы. Кто хотел, тот понял, да? Let's go, let's go. Yes, yes, yes. Oh. अभी हम वापस आ गए हैं और ये फैमिली हमारे साथ थी और ये भी इधर ही लोकल है और ये बिल्कुल हम कजाकिस्तान होटल के पास आ गए हैं अभी। यस यस यस। बहुत फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के, बहुत अच्छे। ये वही नोवल टेल की बिल्डिंग और वही पैलेस, सारा कुछ हम फिर वापस आ गए हैं। ऊपर मौसम ज़्यादा ठंडा था, नीचे यहाँ इतना ठंडा नहीं है। ये एक कजाकिस्तान होटल का व्यू देख लें रात को। दिस इज एरिया में हूँ और रैमबेक स्ट्रीट पे जा रहा हूँ, अभी से टिकट बुक करानी है मैंने, कल का प्रोग्राम है अस्ताना जाने का। ये है यहाँ का ट्रेन स्टेशन नंबर 2, ट्रेन स्टेशन को यहाँ पे लोग वोक्जाल बोलते हैं, ये दिखाता हूँ आपको। ये है मतलब ट्रेन स्टेशन, अब मसला ये है कि अस्ताना जाने वाली ट्रेन यहाँ से जाएगी या नहीं, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। अभी यहाँ से हम काउंटर से ले रहे हैं ट्रेन की टिकट, ये 8500 की है और इसमें कंपार्टमेंट होता है, ये अच्छी है, थोड़ी सेफ होती है, और एक फास्ट ट्रेन है उसका 19000 का है, तो मैंने फिर इसका ख़रीदा है। ये थोड़ा 5-6 घंटे लेट कराएगी, वो 16 घंटे लगाती है और ये लगाती है 20 घंटे, थोड़ा सा फ़र्क है।
और प्राइस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क था, सो मैंने इसलिए वो करा दिया। तो वहाँ पे मैं पहुँचूँगा अल्लाह पाक ने खैर की तो 1:26 पर, 1:30 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो आई थिंक मेरे पास काफ़ी टाइम होगा, क्योंकि अगर मैं एक होटल भी बुक करा लूँगा फिर भी मुझे 19,000 में से ये सही पड़ रही है। तो हमारी कोई मीटिंग तो है नहीं, हमने तो यहाँ पर बजट ट्रैवलिंग करनी है। किसी भी एक सस्ती है जिसका ट्रेन मैंने बुक करा ली है, तो जो मेरी ट्रेन है वो कल निकलेगी 3:30 बजे तकरीबन, 3:30 से थोड़ा ज़्यादा, तो 3:30 बजे निकलेगी और फिर उस ट्रेन 2 बजे पहुँच जाएगी वहाँ पे 1:00 बजे अस्ताना में। तो ये बेस्ट थी, और इससे पहले वाली जो फास्ट ट्रेन थी वो मुझे 3 बजे लेके जाती और वो मुझे 7:00-8 बजे पहुँचाती, तो 3-4 घंटे का फ़र्क है, कोई बात नहीं। और प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, ये 8,500 की थी वो 9,000 की थी, 3-4 घंटे के लिए 8-9,000 रुपये देना आई थी कि वर्थ नहीं करता। तो अभी मैं अपना खोलता हूँ टोचिस और उससे जिधर मैं रहता हूँ वो लोकेशन अपनी डालते हैं घर की, और देखते हैं कि हमारी ट्रेन या हमारी बस कहाँ से निकलेगी। ये बस स्टेशन है साथ ही, मैं अपने स्टॉप पे आ गया हूँ, अभी स्टॉप पे बैठा हूँ, 49 नंबर बस का वेट कर रहा हूँ। मैंने अभी यहाँ से क्या कहते हैं वो खाया है, ये पीछे जो आप होटल नजर आ रहे हैं इससे अभी बैठा हूँ, बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ हर किसी को, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मेरी वाली बस ज़रा लेट है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो